Verito Fernandez. In 2000, there were sustainable goals set by the United Nations. जब रिव्यू हुआ, we fell short of these goals. 215 में सर 17 against sustainable development goals were set up, in which one was focus on alternate energy or renewable energy. So since the target is 2030, is there a mechanism to ensure that जो goal set किया है, we will be able to match? Because we are importing more and more coal, which is against the policy of the sustainable goals. सर, कोल का भी मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन आज के दिन में मैं कोल हैंडल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक कोल का सवाल है, कोल का प्रोडक्शन मोदी जी के नेतृत्व में डबल हो गया सर, ये तो ये, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज रिन्यूएबल एनर्जी का है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा काम चल रहा है, मैंने उसका एक्सप्लेन कर दिया हूं, फिर भी मैं और एक बार, जो 2004 से 14 तक टोटल इसका एक्सपेंडिचर था रिन्यूएबल एनर्जी में 60,091 करोड़ सर, तो इस मंत्रालय का स्थापन हुआ 1992 में, लेकिन एक्सपेंडिचर हुआ गत 10 साल से, जहां दुनिया शुरू कर दिए थे, दुनिया आगे बढ़ रहा था, हमारा सिर्फ 6,000 करोड़ था, आज के दिन में सिर्फ इस वर्ष का बजट हमारा 21,000 करोड़ है सर, और टोटल हम आज तक मोदी जी के कालखंड में 36,952 करोड़ खर्चा किया है सर, मोर देन 500% इंक्रीज हुआ है सर, और ओवरऑल एनडीसी का जो टारगेट है उसमें 33% एमिशन टारगेट ऑफ द जीडीपी, उसमें भी हम 9 ईयर से हमारा आज 2021 तक हमारा जो टारगेट है उस टारगेट के लक्ष्य के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और स्कीम जो लागू किया है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और उसके साथ ही साथ इसको अचीव करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन सहित पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर और वीजीएफ के लिए, ऑफशोर के लिए वीजीएफ और हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल के लिए वीजीएफ, ये सब मिला के आज के दिन में हमारा 1,60,000 करोड़ का ओवरऑल हमारा स्कीम्स है सर।